morning, every student. I am Madhu, also I teach you computer subject. Dear student, in the previous class we have already completed our chapter 2. Now today we will start our chapter 3. Chapter 3 is what can you do on a computer? What can you do on a computer? कंप्यूटर पर आप क्या क्या कर सकती हैं? मीन्स क्या हुआ, कंप्यूटर पर आप क्या कर सकती हैं? तो स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट व्हाट कैन डू ऑन ए कंप्यूटर? आप बता सकती हैं कि कंप्यूटर से आप क्या क्या कर सकती हैं? समटाइम्स नोट्स ऑन हियर. What can you do on a computer? You can learn it. Firstly, some point of this. What can you do on a computer? हम कंप्यूटर पर क्या क्या कर सकते हैं और आपको हम बताएंगे. हम कंप्यूटर से यू कैन लर्न इट, याद कर सकते हैं. कंप्यूटर की हेल्प से हम लर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट से आप कोई भी टॉपिक यदि सर्च करना चाहते हैं तो सर्च करके उसे इजीली वे में लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट, यू कैन प्ले गेम. आप कंप्यूटर पर गेम भी बहुत खेलते होंगे, मोबाइल में खेलते हैं आप गेम, आपने देखा होगा. सेम वैसे ही कंप्यूटर पर हम गेम खेल सकते हैं जैसे गेम आप लोग मोबाइल पर खेलते हैं. उसी तरह से आप कंप्यूटर पर भी कोई भी गेम खेल सकती हैं. गेम को आप डाउनलोड करके आसानी से खेल सकते हैं. नेक्स्ट, हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर से? यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स एंड कलर देम ऑन इट. आप पेंट में जाकर के अक्सर पेंटिंग करते हैं, पिक्चर्स ड्रा करते हैं और उसकी कलर भी फील करते हैं. आप बहुत सारी चीज़ों को पहले भी बताया गया था, बट आप बहुत मिडिल बॉय स्टूडेंट्स हो, आपने अभी किया नहीं होगा. आपको जैसे ही मौका मिलेगा आप इसे करिएगा. आप इसमें कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं, आप कोई भी पेंटिंग बना करके, कोई भी पिक्चर सजा करके पेंट में आप उसमें कलर फिल कर सकते हैं. नेक्स्ट, आप क्या कर सकती हैं? यू कैन लिसन म्यूजिक ऑन इट. आप जैसे मोबाइल के थ्रू आप कोई भी म्यूजिक सुन सकते हैं, उसी तरह से आप कंप्यूटर में भी म्यूजिक को सुन सकते हैं. नेक्स्ट, यू कैन लिसन और वॉच स्टोरीज करते हैं. आप देखते हैं बहुत, इसके पहले भी आप अपने कंप्यूटर में अक्सर देखा करते थे, स्टोरीज छोटी छोटी देखते थे, कार्टून देखते थे. या केजी में आपने बहुत सारे कार्टून देखे हैं और उसके साथ स्टोरीज को सुना है, देखा भी है, समझा भी है. तो आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, देख सकते हैं. आप लोग अक्सर मोबाइल में भी अपने ओपन करते हैं, स्टोरी सुनते हैं, कार्टून देखते हैं, मूवी देखते हैं, छोटे छोटे पिक्चर्स देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं. सेम इसी तरह से आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं. जो चीज़ें आप जिस तरह से मोबाइल में इस वजह से कर सकते हैं, उसी तरह से आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक कंप्यूटर के ही पार्ट का वो है. नेक्स्ट, यू कैन सॉल्व सम. आप अपने कंप्यूटर में इजी वे में सम भी कर सकते हैं. जब तक आप कोई भी चीज़, सपोज कैरी वाला कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो जैसे ही आप कैरी वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आप काउंट योर फिंगर, पहले आप फिंगर पे काउंट करते हैं. सपोज आपसे हमने पूछ लिया कि 8 और 5 कितने होते हैं, तो आप क्या करेंगे? फर्स्टली 8 काउंट करेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. फिर उसके बाद उसमें 5 को ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद फिर काउंट करेंगे. और कंप्यूटर में जैसे ही आप लिखते हैं और राइट करने के बाद जैसे इंटरप्रेस करते हैं, तुरंत आपके आंसर आ जाते हैं.
तो आप कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, सॉल्व सम्स भी, यानी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू कैन मेक ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर फ्रेंड, आप अपनी फ्रेंड के लिए न्यू ईयर पर या क्रिसमस डे पर या विशिंग दीपावली पर, दशहरा पर, किसी भी चीज़ों पर यदि आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के लिए आप ग्रीटिंग भी बना करके दे सकते हैं और उन्हें मैसेज के अकॉर्डिंग सेंड भी कर सकते हैं, जैसे ईमेल से लोग सेंड कर सकते हैं, आप भी सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, इस तरह से आप बना भी सकते हैं और उन्हें सेंड भी कर सकते हैं। यू कैन टाइप अ लेटर फॉर योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को यदि आप कोई लेटर टाइप करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो आप टाइप करके उसे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, टाइप करके उसे ईमेल भेज सकते हैं, टाइप करके आप उसे किसी भी साइट पर अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकती हैं। यू कैन यू डू ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आप बहुत सारी चीज़ों को आसानी से कर सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑन दिस टॉपिक, टॉपिक को, इस चैप्टर को, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एंड योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड, क्योंकि आपके चैप्टर्स बहुत स्मॉल थे, लेकिन फिर भी आप इसमें से कम 5 पॉइंट्स राइट करके ही यहाँ पे दिए गए हैं, जो ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में राइट करके इन्हें लर्न कीजिएगा अच्छे से और फिर इसे समझिएगा, ठीक। टीचर डेंस, थैंक यू।